सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? आई होप अच्छे होगे। एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डबल ड्रॉप फॉर JEE 2025। क्या JEE 2025 के लिए डबल ड्रॉप लेना वर्थ इट है भी कि नहीं? तो डबल ड्रॉप एक्चुअली में है क्या? तो पहले ये समझते डबल ड्रॉप क्या है। तो जो वो लोग जो ड्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, और वो अगेन ड्रॉप लेते हैं फॉर नेक्स्ट JEE, ठीक है, उनको डबल ड्रॉपर कहा जाता है। तो डबल ड्रॉप लेने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, इस माइंडसेट के पीछे बहुत सारा रीजंस हो सकता है, जिसमें से मैंने कुछ बताता हूँ वीडियो में। तो इस पे हम बात करेंगे कि इज इट वर्थ इट और नॉट, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट मैं लास्ट में दूंगा, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हु शुड ऑप्ट इट, किसको डबल ड्रॉप ऑप्ट करना चाहिए। मतलब क्लासिकली बात की जाए तो किसको ऑप्ट करना चाहिए? दोज हु डिडंट यूटिलाइज देयर पोटेंशियल इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट और इन देयर सेकेंड अटेम्प्ट और बिलीव इन देमसेल्व्स, दोज हु बिलीव इन देमसेल्व्स, उनको वो भी ये ऑप्ट कर सकते हैं। तो डिडंट यूटिलाइज देयर पोटेंशियल क्या मतलब है? उनके घर पे खुदा ना खास्ता कोई बुरा चीज हो गया, फिर उनका तबियत खराब हो गया, तो उन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाया अपने ड्रॉप ईयर में भी। ड्रॉप ईयर भी उनका इस कारण हैम्पर अगर हो चुका है तो वो डबल ड्रॉप डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम अपना पूरा पोटेंशियल 100% पोटेंशियल दे दोगे पेपर में तो बेस्ट रिजल्ट आना ही आना है, और अगर तुमने अभी तक नहीं दिया तो उसके लिए एक ड्रॉप और तो बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो खुद में बिलीव करते हैं कि भाई मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो किसी हद तक परफॉर्म कर लेते हैं ड्रॉप ईयर में भी, लेकिन उन्हें लगता है नहीं यार मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, तो वो भी डबल ड्रॉप ले सकते हो। अब दूसरी बात है कि पेरेंट्स बहुत बार कन्विंस नहीं होते हैं, तो हाँ यार पेरेंट्स को कन्विंस कन्विंस करना पड़ता है इस चीज के लिए, तो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ तुम्हें कैसे कन्विंस करना है, करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मत लो यार डबल ड्रॉप, सीधी सी बात, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तुम्हें लेना नहीं चाहिए वैसे डबल ड्रॉप अगर तुम इन दोनों कैटेगरी से बाहर हो, ठीक है। मान लो कि तुम उस कैटेगरी को, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है, एंड उसने अपना 100% पोटेंशियल पे अपना परफॉर्मेंस दिया, एंड लेकिन फिर भी उसको लग रहा है नहीं यार मैं एक और ड्रॉप लेंगे, एक और वो करूंगा, उस केस में तुम्हें नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम्हें पता है कि मैंने अपना पूरा कोशिश कर दिया है एंड फिर भी तुम डबल ड्रॉप लेना चाहते हो तो मत लो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने अपना पूरा कोशिश नहीं किया, मैंने आधा अधूरा कोशिश ही किया था या फिर आधा अधूरा मेहनत ही दिखाया था, तो तुम ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन मैं और कोशिश कर सकता हूँ, तो मत लो यार डबल ड्रॉप। बिकॉज भाई 14 लाख बच्चे ऐसे ही कम्पीट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तुम्हारे ईयर में क्या पता ये 16 लाख 20 लाख तक पहुंच जाए नंबर। कॉम्पिटिशन डे बाई डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड तुम पहले ही अपना 100% पोटेंशियल दे के एग्जॉस्ट हो चुके हो, भाई बेटर है भाई छोड़ दो। क्या ऑप्शंस है उसके बाद, क्या करोगे भाई? डबल ड्रॉप नहीं लिया तो भैया मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? भाई तुम्हारी जिंदगी नहीं खत्म हो रही है डबल ड्रॉप अगर तुम JEE नहीं दे पाया ठीक से तो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गए तो जिंदगी नहीं खत्म हो रही है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल तुम प्राइवेट कॉलेज जा सकते हो, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, बहुत सारे कॉलेज होते हैं अदर देन गवर्नमेंट कॉलेज, अदर देन IIT, NIT, BITS, पिलानी, BIT, मैसरा, जो भी है, GFTI वगैरह वगैरह, सबके अलावा भी और कॉलेजेस होते हैं। दूसरी बात, वाई ओनली इंजीनियरिंग? क्यों करनी है भाई इंजीनियरिंग अगर तुम्हारा 2 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में नहीं निकल पा रहा, तो क्यों फिर उसके बाद उसको तुम झेलना चाह रहे हो? एक चीज और समझो, मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि जो लोग बहुत स्ट्रगल करके आते हैं ना कॉलेज में, वो कॉलेज में भी सर्वाइव करना उनके लिए बहुत स्ट्रगल वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कि तुमने दोबारा ड्रॉप लेके तुम जैसे तैसे घिस पिट के घुस गए गवर्नमेंट कॉलेज में एंड तुम इंजीनियरिंग में मान लो घुस गए, फिर चलो तुमसे नहीं निकला पेपर, कोई एक बच्चा है उससे पेपर नहीं निकला, वो प्राइवेट में चला गया, उसको प्राइवेट में भी फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी, भाई इंजीनियरिंग में भी दिक्कत आएगी अगर तुम JEE ठीक से नहीं कर पा रहे हो। सच है भाई, करवा सच है, लेकिन मानो अब जो भी है इसको मानो, अगर तुम ढंग से JEE नहीं कर पा रहे हो तो तुम कैसे इंजीनियरिंग का सिलेबस हैंडल करोगे? भाई बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। बुरा लग रहा होगा बहुत लोगों को, मैं जानता हूँ, ठीक है, करवा सच है, मान लो कि तुमसे JEE नहीं हो रहा है तो तुम कैसे इंजीनियरिंग के अंदर सोच रहे हो कि मैं 4 साल हैवी हैवी सिलेबस, हैवी हैवी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज पढ़ पाऊंगा? JEE से भी टफ होती है इंजीनियरिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पास करना मुश्किल होता है यहाँ पे, तुम इंजीनियरिंग ही फेल कर जाओगे तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा फिर इंजीनियरिंग करने का? तो बस बहुत सारे इसके अलावा ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, BSc है, उसके बाद तुम्हारा BCA है, BCA, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास।
तो उसके ऊपर भी सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी इज वन ऑफ द मतलब ग्रेट ऑप्शन अदर देन बीटेक, जो तुम ले सकते हो। एंड अलग से भी तुम कोडिंग वगैरह टेक स्किल सीख के भी तुम आईटी सेक्टर में जॉब छोड़ सकते हो आगे जाके। तो तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, यही बात याद रखो। एंड हाँ, अब जिन्हें लगता है वाई ओनली इंजीनियरिंग, तो हाँ भाई मुझे करनी है इंजीनियरिंग, मेरा पैशन है, तो अगेन इसका मतलब वो खुद में बिलीव करते हैं। अब देखो, अब जिसको इसका आंसर मिले कि वाई ओनली इंजीनियरिंग, तो नहीं भाई इंजीनियरिंग तो मुझे करनी ही करनी, इसका मतलब वो अपने ऊपर बिलीव करते, बिलीव इन देमसेल्स। तो ठीक है भाई, तुम एक बार और ड्रॉप लेके देख ही लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक और ड्रॉप ले लो, जाओ फिर नेक्स्ट ईयर वापस तुम्हें अलग लाइन में आना पड़ेगा, तुमसे नहीं निकला तो। ठीक है, ओवरऑल मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर तुमने अपना 100% पोटेंशियल दे चुके हो तुम पिछले 2 साल में, इससे आगे तुम नहीं दे सकते। अगर तुम्हें लग गया कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं, तो छोड़ दो फिर, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग भी छोड़ दो। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो प्राइवेट चले जाओ, नहीं हो रही तो इंजीनियरिंग के अलावा कोई और लाइन चूज कर लो, कोई बुराई की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत ही स्मार्ट प्लेस को कहते हैं, स्मार्ट मूव कहते हैं इसको, ये बात को समझो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, इसमें अपन अलग रास्ते चले जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर तुम खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हो कि भाई बहुत ज्यादा भरोसा रखो, तो एक चांस और दे दो यार, जाओ अगले साल फिर कोई और लाइन चूज करें ना, 1 साल और अपने आप को दे दो। ठीक है, एंड वो लोग जो अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं परफॉर्म कर पाए, अपना तुम डबल ड्रॉप लेके, ड्रॉप मतलब 1 साल और तुम दे सकते हो जेई के लिए। ठीक है, वैसे मैं सही बताऊं तो इंजीनियरिंग में 2 साल अपना वेस्ट कर देना, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने के लिए अपना 1 साल एक्स्ट्रा वेस्ट कर देना आफ्टर ड्रॉप ईयर इज नॉट वर्थ इट, ड्रॉप इज वर्थ इट। पार्शियल ड्रॉप इज नॉट वर्थ इट, डबल ड्रॉप इज नॉट वर्थ इट इन अदर केसेस, जो भी मैंने यहाँ पे कहा कि उसने अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया था वगैरह वगैरह, इसके अलावा तुम कहीं लाई कर रहे हो तो भाई वर्थ इट नहीं है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे इस वीडियो से, ऐसे और भी वीडियोज मैं लाते रहूंगा, तब तक के लिए इतना ही गाइस, बाय।